खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई गुहाना मंडी में हाँ, और हमारे साथ में कुछ साथी हैं पूरे बरोदा हल्का के, कुछ कर रहे हैं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। के नाम है भाई का? रविंदर नाम है भाई, छठाना काम है। रविंद्र के कुछ लग गया है वो जो तरह एरिया है मारा एरिया में भाई साहब, मारा जो विधायक है ना, विधायक नहीं हो एक भाई है, सबका साजरा भाई है। एक ऐसा विधायक यू है अग भाई, भाई ऐसा है जो किसान आंदोलन में जो हमारे साथ खड़ा रहा, और भाई वहाँ पे जो पहला किसान शहीद होया था वो मारे हल्के का शहीद होया था, मारे भाई ने इतनी मदद कर रखी है, उसका परिवार का पूरा जमा ले रखा है। शुरुआत भी न मतलब वहाँ तक इतनी वो करी थी, मारा इलाके में कहीं पर भी पानी की और कोई समस्या हुई, कति दिन में फ़ोन करा, दिन में रात ने फ़ोन करा, रात ने बालू ने कति 24 घंटे खड़ा पाया भाई साहब। और ईब भी कोई अंदाजा नहीं है कि हम शायद हो सकता था, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कलोई तो ज़्यादा बोटा था, हम बालू ज्यादा खंदा हुआ। तो पिछली बार जब उपचुनाव होया था उस टाइम पे बालू बेचारा ज़्यादा सा को नहीं बोल रही करता, आपने बेरा कि दो तीन शब्द उसका तो रहेगा, लेकिन ये भी जानकारियाँ बढ़ती गई, चीज़ा ने देखता गया, तो ये तो पूरा लंबा भाषण ठोके हैं भाई साहब। जब फील्ड यू हो गया, काम यू हो गया, और फिर बीजेपी ने सिखा दिए भाई ना, तो मारा था हल्का ऐसा हल्का था, अरे आपने देखा होगा एक सरकार की गल टक्कर लेनी कोई छोटी चीज नहीं थी, अरे मारे की तरी आम भाई है भाई, कति किसान का बेटा है, कोनू नहीं है कि भाई बिजनेसमैन का या किसी और का, आज भी गांव में रहो है हर। तो आपने लगा है कि भाई मैं बीजेपी पूरा जीतने खातर कुछ उदी प्रोपगेंडा या फिर कुछ ऐसा कोशिश करी भाई साहब? उपचुनाव में सारे हथकंडे अपना लिए बीजेपी ने, जब उनकी दाल निकली थी कितने नंबर है भाई साहब, लोग भी नहीं है, जमानत बचा लेंगे वो भी बड़ी बात है। कांग्रेस सरकार क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस सरकार ने भाई साहब जितना भी भला करा ना हमारा कांग्रेस ने कराया है, ये मोदी का यहाँ पे गुहाना माया था, कितने का आदमी थे के वो चीज़ बोल कर गया है, हमारे को इस सरकार ने सिर्फ कास्टिज्म में बांटने का काम कराया है। एक भी बीजेपी ने किसी ने भी कोई भी नेता देख लो आप, सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म की बात करेंगे, कोई विकास की बात एक भी नहीं करता। हमारा उपचुनाव होया जब इतनी चीज़ उठी थी कि यहाँ पर IMT बना देंगे, यहाँ पर सेलर ला देंगे, जनता यूनिवर्सिटी बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, एक भी काम बीजेपी ने नहीं करा, कोई कैसे उन पर मतलब विश्वास कर लेंगे। तो ईब है नहीं बीजेपी दोनों ने टारगेट लग रही है करण, भूपेंद्र सिंह ने और दीपेंद्र सिंह ने दोनों ने टारगेट कराया कि ये तो बाबू बेटा की पार्टी रहेगी है, या तो दूसरे नेताओं की इज्जत नहीं है, मैं कहीं कोई सैलजा का नाम ले, कोई अशोक तंवर का नाम ले थे भाई साहब, इनका काम ही ये है, इन्होंने आपस में बिठाने का काम है, जहाँ पे कास्टिज्म की बात आवे कास्टिज्म, जहाँ पे धर्म की बात आवे धर्म पे में लड़ा दे हैं, जहाँ पे वैसे बात आओ भाईचारा में लड़ा दे। अब आप बीजेपी का षड्यंत्र देख लो बरोदा हल्के के अंदर आप, कि भाई को भाई तो लड़ा दिया बीजेपी ने, भाई से भाई को लड़ा दिया बीजेपी के कुछ नेता ने ही, मतलब एक आज़ाद उम्मीदवार को उठाया और बढ़िया भाई आपस में दोनों भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम कराया, ये तो बरोदा हल्के में दिखती हुई चीज़ है, हर आदमी को दिख रही है और हर आदमी इस चीज़ को समझ गया। तो कुछ लोग यह भी बात बोल रहे हैं भाई पहला कोई बात हुई थी जब इसका भालू का टिकट मिली थी कि भाई अगली बार कपूरा तो मिल जाएगी, इबका भालू तो दे दो, तो इबका दे ही को नहीं कपूरा, तो कपूरा नहीं दे लिया कूद गया भाई साहब। एक ये लोकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी इंडिया के अंदर है, ये नहीं है कि भाई पार्टी हाईकमान का फैसला जो भी है कि भाई सीटिंग MLA की अगर टिकट नहीं कटती तो इनकी अकेले की कैसे टिकट काटते हैं, और हम तो भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा के दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं, हमने किससे को टिकट मिला है, टिकट मांगनी है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हुए हैं, सभी को थोड़ी टिकट मिलेगी, टिकट तो एक न मिलेगी। यहाँ पहले कृष्ण हुड्डा ने मिला करती, जब भी तो लोग खिलाफत करार दे, और आज वो कृष्ण हुड्डा का लड़का ही खुद इनको सपोर्ट करने लग रहा है बीजेपी में तमिल के। हाँ राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या नाम बताऊंगा? मेरा जी सुल्तान मेंबर गांव भावड़ ब्लॉक समिति। तो दीपेंद्र आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करते हैं। दीपेंद्र ने मुख्यमंत्री चाहो हो या भूपेंद्र ने चाहो? हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं। अच्छा, तो के कुछ आपने लगा है कि भाई बदलाव आवेगा, क्योंकि देखा मैं भी कहे हैं कि भाई हम भी नौकरी देने लग रहे हैं और पर्ची खर्ची का आरोप में सबसे ज्यादा लाने लग रहे हैं भाई हुड्डा सरकार में, पर्ची खर्ची चल रही है। ये तो आपने भी देखा होगा, जीता जागता साबुत है जी, HCS का बोर्ड गए उसके चेयरमैन के पास से सूटकेस मिला था, उसके खिलाफ को कार्रवाई नहीं हुई,
ये कहते हैं सबूत है, मांगो सबूत तो दिया कि नहीं। जनता इतनी तराई तराई मची हुई है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब हर एक वर्ग दुखी है इससे, जनता इससे नाखुश है। और इंदू राज बालू हमारे है कम से कम 30,000 वोटों से ज़्यादा लीड देकर जीतेंगे। हाँ इनका है जी तसल्ली पूरी है जी। आपने देखा होगा लोगों में रोष कितना है, कहीं भी जाकर देख लो, कथूरा गंगाना सुहाना जहाँ भी बड़े बड़े गांव होते हैं कितना बड़ा स्वागत मान सम्मान मिलता है। एक चीज हो रही है आजकल किसी भी कैंडिडेट का प्रोग्राम में बिक जो पूरा रस करके रखा है, यानी कि पूरा काफिला दिखावागा, वो एक जना एक कंपेन पर चढ़ रहा है, अगली बार अगला काफिला उसे गांव में दो कंपेन ना पावागा, तो इस तरह का माहौल साहब बन रहा है भाई साहब। हमने तो ये बात निकली ही लागे है, हमने मोदी आया था, मोदी एक मिनट भी शहर में जाम भी नहीं लग गया, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का नाम सुनता है जाम लाग जा रहे। और मोदी आया जब यार पूरा शहर खाली पड़ा था, कुछ भीड़ मतलब मोल तो ला रहे थे, उसमें देखिए हमने बस बरकाई थी, उनमें लेबर बैठक आई थी और वनू के घूम के चले गए थे। ये तो जीता जागता सबूत से कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं। मेरे तो गुहाना की एक सच्चाई जरूर बतानी होगा, गुहाना में जो सा ने भी रैली करी है कड़तू तो पक्का है। या तो भाई साहब हमने रुका मार दिया था, वो 25 सितम्बर थी, उस दिन तो उप यो के नाम है दुष्यंत बना था मुख्यमंत्री, अरे भी ये मोदी और बन जाएंगे मुख्यमंत्री। दुष्यंत के लग देख लो क्या हो जा था, अरे बीजेपी के लग देख लो अब क्या हो जाएगा। हाँ गुहाना का ही रूल है भाई साहब। हाँ ये गणेश नीचा लड़ता ही सिस्टम है।